अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज जिस तरह से ईद का दिन है और फैमिलियां जो है वो सवैयां खाने के बाद पार्कों का रुख कर रही हैं, तो वहीं पर अगर देखा जाए तो महकमा पुलिस के जवान जिनकी कोई ईद नहीं, जिनकी कोई शबरात नहीं, जिनकी कोई बकरा ईद नहीं, लाहौर की सड़कों पर हमेशा आपको शहरियों की जानोमाल की हिफाजत के लिए दिखाई देते हैं। आज भी जिस तरह से मैं अभी कुछ ही देर पहले सवैयां खा के आया हूं, ईद की नमाज़ पढ़ के आया हूं, और वहीं पर जब मैंने देखा कि महकमा पुलिस के जवान जो कि पूरे 365 दिन जिस तरह से एक साल बनता है, जो इसी तरह से मैंने यूनिफॉर्म में देखा, कभी मैंने इन पुलिस वालों को जो है वो सफ़ेद पारचात में नहीं देखा, क्योंकि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो लाहौर पुलिस में ये भर्ती हुए और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए 1400 से ज़ायद जवानों ने जो है वो अपनी जानों का नजराना भी दिया। इसी तरह से लाहौर की सड़कों की अगर बात की जाए तो लाहौर की सड़कों के ऊपर जिस तरह से शहरी अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो वहीं पर डॉल्फिन, पीरू और दीगर ट्रैफिक वार्डन के अलावा महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले जवान भी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर पीरू इंचार्ज अमजद एस यहाँ पर मौजूद हैं। अमजद साहब, आज ईद का दिन है, सवैयां खाई हैं कि नहीं खाई? नहीं सर। क्यों नहीं खाते सवैयां? 6 बजे ड्यूटी का टाइम था सुबह, आज सुबह 6 बजे का ईद का रोज़ और सुबह 6 बजे ड्यूटी का टाइम था, उसके बाद क्या हुआ? 5 बजे से घर से आउट हैं, ठीक है, और अपने ड्यूटी पर खड़े हैं। यार, लोग ईदें मना रहे हैं, अपनी बेगमात को तोहफे दे रहे हैं, मोटरसाइकिलों गाड़ियों में बिठा के, कोई चिड़ियाघर जा रहा है, कोई मीनार पाकिस्तान जा रहा है, कोई रेस कोर्स जा रहा है, आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। गुजारिश है कि हमारी ईद इनके साथ ही है, इनकी ईद अच्छे तरीके से गुजर जाए तो हमारी क्या बात है। अमजद एस आई का कहना ये है कि अवाम अगर मेरे से खुश है, अवाम मेरे साथ प्यार करती है, तो मेरी ईद उसी वक्त हो जाती है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को जो है वो घर तनहा छोड़ के आया हूँ। बच्चे कहते होंगे पापा ईद हमारे साथ मनाओ, लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता। कानून कहता है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो नाके लगाए जाएँ, ताकि चोर डाकू पकड़े जाएँ। जिस तरह से ईद के रोज़ हर बंदे के पास जेब में पैसे होते हैं, और उसी तरह से डाकू भी सड़कों पर असला लेकर रवा दवा लोगों को लूटने के लिए होते हैं, फैमिली नाराज़ नहीं होती? हमारे डॉल्फिन टीम में और पीरू टीम में इस हवाले से बिल्कुल अलर्ट हैं। घर में फैमिली नाराज़ नहीं होती, बीवी बच्चे? फैमिली नाराज़ तो होती है, लेकिन दिलासा देना पड़ता है उनको कि बस आने वाले आने वाले हैं। उसी तरह से मामला चलते हैं। मैं समझता हूँ कि अमजद एस आई ने बड़ी अच्छी बात की है कि फैमिली को दिलासा देना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पर एक और भी नौजवान मौजूद है, इनकी जानिब भी चलेंगे। यार, आप मुझे बताओ, आज ईद का दिन है, आपका नाम क्या है? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अली है। शहजाद अली, आज तो आप तो माशाल्लाह जवान हो, शादीशुदा हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने पहले मेरी शादी हुई है। नाजरीन, 2 महीने पहले शादी हुई है। मेरा ख्याल है कि आज जिस तरह से ईद का दिन है और शहजाद जो है वो अपनी बेगम के साथ नहीं, बल्कि आज डॉल्फिन टीम के साथ नाकाबंदी किए खड़ा है, और यहाँ पर मशकूक अफराद को भी चेक किया जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि ईद का दिन है, शहजाद 2 महीने पहले शादी हुई है, आज ईद का दिन है, घर से सवैयां खा के निकले हो? नहीं सर, सुबह 5 बजे के घर से निकले हैं ड्यूटी के लिए, और 6 बजे से ड्यूटी पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साजद में लोगों ने नमाज ईद पढ़ी है, जो मिल के गए हैं उनका भी शुक्रिया। यही हमारी ईद है, जो खुशी हम हमसे बात करके मिल के गए हैं, दुआ सलाम करके गए हैं, यही हमारी ईद है। नाजरीन, मैं बताता चलूं कि जब ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, जब शहरी नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, तो एक राइफ़ल जो है वो SMG या क्लाशन कोफ या दीगर कोई भी कोप लेके जो है वो पुलिस वाला जब बाहर गेट पे खड़ा होता है, जब कोई शहरी उसके साथ गले लग के उसको ईद मुबारक कहता है, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसको फ़ख्र होता है कि मैं महकमा पुलिस का जवान हूँ। जिस तरह से शहजाद ने बताया कि मेरी 2 माह पहले शादी हुई है, और मैं यही सोचता हूँ कि इसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे, इसकी बेगम क्या सोचती होगी कि आज इतना खूबसूरत त्यौहार है, घर में सवैयां बनी पड़ी हैं, और मियां साहब जो है वो कैप पहन के, यूनिफॉर्म पहन के लाहौर की सड़कों पे आ गए हैं, लेकिन असल जो है वो ड्यूटी ये है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए ये जो लोग तैनात किए जाते हैं, इनके साथ मोहब्बत, प्यार, खलूस, इज़्ज़त के साथ बात करनी चाहिए। इनका काम है मशकूक अफराद को चेक करना, मशकूक अफराद की तलाशी लेना, और शहरियों को जो है वो ये चेक करते हैं कि कुछ चोर डाकू जो है सड़क पे रवा दवाना हो जाए। शहजाद, आज
नई नई शादी जिस तरह से बताया हुई है, बेगम तो कहती होगी ना कितने चला गया मैंने छड़ के। ऐसी बात है, अगर उन घर वालों को भी नाराजगी जो वक्ती तौर पर होती है, उनको भी पता है कि ये पुलिस के जो अफसर हैं इनको ड्यूटी इनकी। हम जो DSI की तरह आप भी बार बार फोन पे कहते हो बस आ रहे हैं, SP गश्त चेक करके जा रहे थे निकल गए। यही होता है, फिलहाल दिन गुजर जाना, शाम को इंशाल्लाह घर जाएंगे अगर छुट्टी मिली तो, इंशाल्लाह। तो फिर नहीं तो ईद के बाद तो घर जाएंगे, सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी जब घर जाएंगे। वक्ती नाराजगी होती है, घर वाले भी समझते हैं हमारा बेटा हमारा हस्बैंड में जो भी है अपना नौकरी पे सारे अंजाम दे रहा है, घर का हमारा जो जिम्मेदार। एक बात मुझे बताओ, एक तरफ शहरी जो सड़कों पे हैं, एक तरफ आपने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, एक तरफ फैमिली है, इसका मकसद ये है कि फैमिली को आप शहरियों की खातिर तनहा छोड़ के सड़कों के ऊपर आ गए हैं, आपको शहरी फिर ज़्यादा अजीज़ हुए ना? बेशक, क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें चुना है इस काम के लिए, तो हमें खुशी होती है कुछ शहरी हमसे खुश हों, इसी में हमारी ईद है, इसी में हमारा सब कुछ है कि हमारे बिहेव से कोई अच्छा हो, कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, ना कि कोई हमें बुरी नज़रों से देखे। शहजाद का कहना है कि अगर लोग हमसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे हमारी यही ईद है, और घर में जो टेलीफोन ख़वातीन करती हैं अपने खामंद को, भाइयों को और दीगर रिश्तेदारान को जो महकमा पुलिस में तैनात हैं, मैं चाहूँगा कि रईस यहाँ पर भी एक जो है वो नाकाबंदी की गई है, इनको भी दिखाएंगे, अगर इनको ना दिखाएं तो बड़ी ज़्यादती होगी। मेरे साथ यहाँ पर एक और जवान भी खड़ा है, बाकायदा जो है वो डॉल्फिन ने यहाँ पर नाकाबंदी की हुई है। और शहजाद का भी यही कहना था कि बेगमात हमारी जो है वो घर की वो टेलीफोन करती हैं कि ईद का दिन है घर कब आओगे, तो हम यही कहते हैं कि बस आ रहे हैं, कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ से ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद घर ही वापस आना है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि जो महकमा पुलिस का जवान यूनिफॉर्म पहन लेता है उसके लिए उसके घर की इम्पोर्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए तैनात होते हैं। जिस तरह से बहुत सारे शहरी भी मुझे देख रहे हैं कि आज मैं मौजूद हूँ डॉल्फिन की टीम के साथ, और डॉल्फिन जो है वो ईद के रोज़ भी यहाँ पर वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहे हैं, और घर से बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन यहाँ पर जो है वो शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक और जवान मौजूद है जो गले में राइफल लिए मशकूक अफराद को रोक कर चेक भी करता है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आज ईद का दिन है और आपने बजाए के शादीशुदा हुआ? जी सर, हम तो शादीशुदा हूँ। बच्चे भी हैं आपके? जी सर, एक बेटा मेरा। जहाँ आपने राइफल लटकाई हुई है, आज ईद का दिन है, आपको यहाँ पर अपने बच्चे के साथ जफ़ी डाल के गली मोहल्लों में दोस्तों में रिश्तेदारों में सवैयाँ खानी चाहिए थी, और मज़े मज़े के चटपटे दही बल्ले फ्रूट चाट बहनों के साथ भाइयों के साथ फैमिली के साथ खाने चाहिए थे, आज बच्चे की जगह ये राइफ़ल जो है वो आपने गले में लटकाई हुई है, आज ईद का दिन है, किस तरह से देखते हैं? सर, हमारी तो ईद यही है कि हम ड्यूटी ईमानदारी से करें, आवाम की जानो माल की हिफाजत करें, आवाम खुश तो हम खुश, सर यही हमारी ईद है। तो घर वाले नाराज़ नहीं होते कि मोहम्मद अली? नाराज़ होते हैं, क्यों नाराज़ होते हैं, लेकिन ड्यूटी सर पहले है, ड्यूटी चूँकि एक अहम फरीज़ है और हमें इसे अदा करना है। पाकिस्तान को पहले बहुत से मुश्किल का सामना है दहशतगर्दी का, चूँकि हम अगर फोर्सेस भी घर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान की फर्ज कौन करेगा, तो इसलिए सर हम अपनी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं करते, तो हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। मोहम्मद अली, मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट प्लान क्या है? राइफ़ल जमा कराओगे मुहर्रर के पास, उसके बाद घर जाओगे, जाके क्या करोगे? बेगम को लेके ससुराल जाओगे, बच्चे को लेके कहाँ जाओगे, कब छुट्टी मिलेगी? सर यही है सर, जब हमें हमारे अफसरान कहेंगे कि आपकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है आप घर जाएं, तो सर घर जाके फिर हम भी ईद की खुशी होंगे, उनके साथ शामिल होंगे और ईद मनाएंगे हम भी। मैं जिस तरह से पहले भी कहता हूँ कि एक तरफ आवाम है दूसरी तरफ फैमिली है, फैमिली को तनहा छोड़ के नाजरीन ये लोग फैमिली को तनहा छोड़ के जिस तरह से इनके भी बच्चे हैं, बीवी है, भाई है, बहने हैं, माँ बाप हैं, ये सब चीज़ों को छोड़ के लाहौर की सड़कों पर हमारे लिए आपके लिए आपकी मोहब्बत के लिए आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए ये लोग सड़कों पे आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको इतनी मोहब्बत अपनी फैमिली अपने घर से नहीं जितनी आपसे है, जितनी मुझसे है, जितनी इस आवाम से है जिसको ये तनहा नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली को तनहा छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक और भी जो है वो डॉल्फिन का जवान मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उनसे भी जो है वो बात करें, और मेरे साथ यहाँ पर ड्राइवर भी मौजूद हैं। मेरे भाई, आज ईद का दिन है, राइफ़ल ले कर खड़े हो, कैसे देखते हो, घर नहीं जाना आज जुनेद साहब? नहीं सर, ड्यूटी आज आवाम के हफाजत के लिए खड़े हैं इधर, जानो माल की हिफाजत के लिए।
जिस तरह से उन लोगों ने भी कहा कि शहरियों की जानों माल की हिफाजत के लिए खड़े हैं, मैं भी इसी तरह से खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि लाहौर के जो शहरी हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि डॉल्फिन और पीरू की गाड़ियां जो है वो उनकी हिफाजत के लिए सड़कों पे गश्त कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक ड्राइवर भी मौजूद है जो कि सारा दिन जो है वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को दाएँ बाएँ मूव करता है। कभी इनके आगे कोई डाकू भी आ जाए तो उसका भी पीछा करना पड़ता है, गोलियों का भी सामना करना पड़ता है। रईस, मैं चाहूँगा कि इस बंदे को भी जो है वो दिखाया जाए ताकि हमारे अफसरान और हमारे पाकिस्तानी शहरियों को पता चले कि ये वो ड्राइवर है। यार मुझे बताओ, आप गाड़ी में बैठे हो और ऐसा भी होता है कि डाकू जब वारदात करके जाते हैं आप उनका पीछा करते हो। जिस तरह से आज ईद का दिन है, आपको ईद के अलावा भी मैंने यूनिफॉर्म में देखा है, आज ईद के दिन भी मैंने आपको यूनिफॉर्म में देखा है, अपनी फैमिली को कैसे छोड़ के आए हो? बस भाई, ये सब आवाम के लिए है, हम ड्यूटी करते हैं आवाम की जानों माल के तहफ़ के लिए। उनके तहफ़ होगा तो हमारे भी बच्चे भी घर से फ़ोन करते हैं कि आओ ईद का दिन है, घर आके खुशियां मनाएं, सब बहन भाई आए हैं। लेकिन पहले ड्यूटी आवाम को तहफ़, आवाम को महफूज रखना है, उसके बाद जाकर घर वालों को भी देखेंगे। मुझे ये बताओ, आज कोई सवैयाँ सवैयाँ खा के आए हो, कोई दही भल्ले खा के आए हो, कोई बेगम ने खिलाए हैं, कोई ईदी शीदी दी है बच्चों को, बेगम को? नहीं सर, अभी तो सुबह नमाज पढ़ के ड्यूटी के लिए तैयार होकर घर से निकल आए हैं। अब वापसी जाएंगे तो जाकर बनी होगी सवैयाँ भी, दही भल्ले भी, रोटी भी बनी होगी, सबको ईदी भी देंगे। ड्यूटी से फारग होकर जाएंगे तो फिर देंगे। सुबह से बेगम ने कितने फ़ोन कर दिए हैं, कहाँ रह गए हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, नए कपड़े पहने हुए हैं, देख लो आगे। 2 से 3 फ़ोन आए हैं उनके, वो कह रहे थे कि आ जाओ जल्दी घर, लेकिन ड्यूटी ख़त्म होगी, अपने फ़र्ज अंजाम देंगे तो फिर जाएंगे घर, उससे पहले जाने को दिल नहीं कर रहा। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हैं। जिस तरह से ड्राइवर ने मेरे साथ बात की, उनका भी यही कहना था कि पहले आवाम की खिदमत, उसके बाद जो है वो फैमिली। फैमिली ने सुबह से 3-4 फ़ोन कर दिए हैं। जिस तरह से पुलिस वाले बेचारे इसी तरह से करते हैं कि टाल मटोल बेगमात को कि आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मेरे साथ एक और भी जवान वहाँ पे खड़ा है, रईस, उसको भी दिखाएंगे कि वो वायरलेस सेट लेके खड़ा है और वायरलेस सेट के साथ ये तमाम चीज़ें भी बताता है कि कौन सी गाड़ी को रोकना है या किस गाड़ी को चेक करना है। मेरे साथ यहाँ पर एक और जो है वो नौजवान मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद अफरोज, आज ईद का दिन है, बेगम के हाथ में हाथ डालने की बजाय आज वायरलेस सेट हाथ में पकड़ा हुआ है, किस तरह से अपनी फैमिली को तनहा छोड़ के आ गए हो, और फैमिली को कोई ईद शीद दी है, कोई बच्चों को ईद शीद दी है, इसके अलावा वालदेन को कोई ईद मिले हो, सुबह नमाज़ पढ़ी है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सुबह नमाज़ पढ़ के आए हैं ईद की, और ईद मिल के आए हैं उनसे, और उनसे दुआ लेके आए हैं कि हमें जो है हमारा काम है ये ईद पे लोगों की जानों माल की हिफाजत करना, उनसे अच्छे तरीके से उन्हें गाइड करना। ये है कि दिल करता है फैमिली के साथ मिलें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, लेकिन क्या करें, नौकरी भी तो है, ड्यूटी करनी है, लोगों के जानों माल की हिफाजत करनी है। बस सुबह के कितने फ़ोन कर दिए बेगम ने या अम्मी ने या अबू ने? उन्होंने तो 3-4 दफ़ा फ़ोन किया। वही दूसरे दोस्तों की तरह टाल मटोल, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, बस राइफल जमा कराने लगे हैं, बस गाड़ी आ रही है, ड्राइवर निकलने लगा है? जी सर, इसी तरह यहाँ टाल मटोल ही कर रहे हैं। शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए जिस तरह से मैंने बताया कि ये देखें नौजवान यहाँ खड़े हैं और चेकिंग का सिलसिला जो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज से जारी है, और यहाँ पर तमाम लोगों को जो कि मशकूक होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि आज ईद का रोज़ है, और ईद के रोज़ देखें, मैंने भी आज सूट पहना हुआ है, मैं अमूमन जो है वो आपको दूसरे लिबास में नज़र आता हूं, लेकिन मैंने भी आज ईद का रोज़ था इसलिए मैंने जो है वो सूट पहन लिया ताकि मेरे बहन भाई वालदेन अमूमन मुझे कहते हैं कि ईद के रोज़ जो है वो आप सलवार कमीज़ पहना करो। मैंने भी सलवार कमीज़ पहनी, ईद की नमाज़ पढ़ी। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं सड़क पर आया तो मुझे नज़र आया कि यहाँ पर जो है वो डॉल्फिन और पीरू की गाड़ियाँ जो है वो गश्त कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से ये ईद मनाते हैं। लेकिन मैंने इनकी बात सुनी और इनकी बातों में मुझे ये जज्बा नज़र आया कि ये अपनी फैमिली से ज़्यादा शहरियों को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि शहरियों की जानों माल की हिफाजत के लिए ये लोग सड़कों पे खड़े हैं। इसके अलावा जो है वो लाहौर पुलिस के और भी जो जवान हैं उनसे भी बात करेंगे, ट्रैफिक वार्डन से भी बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ डॉल्फिन और पीरू ही नहीं जो है वो यहाँ गश्त कर रही है, नाकाबंदी कर रही, इसके अलावा दीगर जो है वो यूनिफॉर्म्स में ट्रैफिक वार्डन हो गए, पुलिस एहलकार हो गए, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। तहाल जिस तरह से आज का दिन मैंने बताया है, और आज के दिन जो है वो मैं समझता हूँ कि
बड़ी बात है कि महकमा पुलिस के जवान लाहौर की सड़कों पे खड़े हैं और नाकाबंदी किए हुए हैं, और सिर्फ ये क्यों खड़े हैं, आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए। जब भी आप मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकलें तो फौरी तौर पर बाहर बैठे कांस्टेबल को गले लगाएं, उसको ईद मुबारक कहें, ताकि उसका सीना जो है वो चौड़ा, जो उसे फ़ख्र हो कि मैं महकमा पुलिस का मुलाजिम हूँ। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो फिर दूसरे यूनिफॉर्म वाले जिस तरह से पुलिस अहलकार हो गए और ट्रैफिक वार्डन्स हो गए उनकी जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो अपने प्यारों के बगैर किस तरह से ईद मनाते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मेन माल रोड पर, जहाँ पर मेरे साथ 1, 2, 3, 4 पीछे भी जो है वो ट्रैफिक वार्डन 2 खड़े हैं, तकरीबन 6 लोग यहाँ पर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं, बेगमात को शॉपिंग करवाने के लिए नहीं, बच्चों को चॉकलेट दिलवाने के लिए नहीं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, मेरी हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर ये लोग सड़कों पर ना हों जिस तरह से आज ईद का दिन है तो यहाँ पर रश हो। मेरा कैमरामैन अगर रईस दिखा सके तो देखें किस तरह से ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, और किसी को कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा, जिसका सबसे बड़ा सबूत है शहबाज इंस्पेक्टर जो कि अपने जवानों के साथ यहाँ पर खड़ा है, मौजूद है, अपनी फैमिली को तनहा छोड़ के आया। शहबाज साहब, कोई ईद शीद मिले हैं बेगम को, कोई पैसे दिए हैं, कोई बच्चों को कपड़े छपड़े, आज ईद का दिन है, कुछ सवैयाँ खा के मुँह मीठा किया? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारी ईद आवाम को उनके घरों तक महफूज तरीके से पहुँचाना ही हमारी ईद है। हमारे CTO साहब, SP साहब, हमारे सीनियर अफसरान, उनका यही मोटिव है कि ईद के दिन हम आवाम को फैसिलिटेट करें, उनके लिए कोई मुश्किलात ना हो, उनको रोड बिल्कुल क्लियर मिले, यही हमारी ईद है। यार मुझे ये एक बात बताओ, घर में फैमिली भी तो है, यहाँ पर एक दिल भी तो धड़क रहा है, दिल चाहता है बच्चे को गले लगाऊं, दिल चाहता है बीवी के साथ बैठ के सवैयाँ खाऊं, बहनों को बुला के घर को दावत शावत कोई खाबे शाबे उड़ाएं, यहाँ तो 365 दिन आप खड़े होते हैं, ये वही कैप है, ये वही शर्ट है, ये वही जो है वो आपके क्राउन है, हर चीज़ वायरलेस सेट, जैसे कि आपने आज के दिन तो ईद के दिन अपने बच्चे की ऐसे उंगली पकड़ी होनी चाहिए थी, आपने आज फिर वो वायरलेस सेट पकड़ा हुआ है, जिस तरह से आम रूटीन में आप पकड़ते हैं आज भी आपके हाथ में वायरलेस सेट है। फैमिली की फ़िक्र नहीं है या आवाम ज़्यादा ज़रूरी है? फैमिली की फ़िक्र है बिल्कुल, क्यों नहीं है, लेकिन हमारा जो अहद है वो सबसे पहले आवाम की हिफाजत, आवाम को सहूलत देना है। मैं बड़ी अच्छी तरह से, मुझे याद है अल्लाह तबारक ताला कैप्टन मुबीन शहीद को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे, कैप्टन मुबीन शहीद जो है वो ईद के रोज़ भी बड़े खूबसूरत अंदाज में हाथ में फूल लिए जो है वो माल रोड फैसल चौक पर खड़े होते थे, और वहाँ पे जो ट्रैफिक सेक्टर इंचार्ज होते थे उनके साथ भी गले लगा के उनको प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो ईदी भी देते थे, गुलाब का फूल भी देते थे। और आज ईद का दिन है, सीनियर अफसरान की जानिब से कोई इनामात, कोई थापी छापी, कोई फूल शूल दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे सीनियर अफसरान भी रोड पर हैं, हमें ईद मिलते हैं, और ईद पढ़ने के बाद तमाम सीनियर अफसरान आउट हैं, रोड पर हैं, हमें ईद मिलते हैं, इवन कि हमें मिठाई तक दी जाती है ईद के दिन। आज भी मिठाई खाई? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आज भी मिठाई खाई। मेरे साथ एक और भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है जवान, जो कि कड़कती धूप में जो है वो मैं देख सकता हूँ कि कैप पहने जो है वो यहाँ पे खड़े हैं। मैंने इनको कहा कि छाँव में आ जाए, ये वहाँ ट्रैफिक निकलवा रहे थे। आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम मकसूद फरीद है जी। मकसूद फरीद, यार जिस तरह से मैंने और भी लोगों से पूछा, आपके बैचमेटों से भी, दोस्तों से भी, आज आपकी फैमिली ने आपको कितने फ़ोन सुबह से कर दिए हैं, मकसूद घर आ जा अल्लाह के वास्ते करके सेवियां खा लिए? वो तो बात आपकी ठीक है, घर वाले तो कॉल्स करते ही हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ उसके आगे हम फैमिली को ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फ़र्ज़ जो है ना उसी के साथ हमारी इज्जत है, उसी के साथ हमारी शान है, हमारे महकमे की पहचान ही यही है कि हमने अपने फ़र्ज़ को सबसे आगे रखना है और लोगों को फैसिलिटेट करना है ट्रैफिक के हवाले से, ताकि लोग अपने घरों को जाएँ, हमें दुआएँ दें और हमारी फैमिली को दुआएँ दें। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूट होता है, यही हमारे लिए सवैयाँ होती हैं, जो लोग हमारे लिए दुआएँ करते हैं, हमसे गले मिलते हैं आके ईद वाले दिन, और हमसे प्यार करते हैं कि जी आप हमारे लिए खड़े हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई भी फल नहीं चाहिए होता, इससे ज़्यादा कोई सवैयाँ मीठी नहीं लगती। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यार मैं आपके गले लगना चाहता हूँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये असल बात ये है कि सवैयों की मिठास नहीं चाहिए,
पब्लिक की मिठास चाहिए, पब्लिक हमारे साथ मीठी ज़ुबान बोले, हमें सवैयों की ज़रूरत नहीं, पब्लिक आके हमें अपने गले लगाए, हमें किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसकी हिफाजत के लिए ये यूनिफॉर्म पहनाई गई है वही इसका हक अदा करे, आके गले लगाए, प्यार मोहब्बत से बातें करे। और ट्रैफिक की रवानगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों को जा रहे हैं, खुली सड़कें हैं, कोई रोड बंद नहीं है। ईद के रोज़ जो है वो नए नए सूट पहनकर बच्चों के साथ, बिगमात के साथ, फैमिलीज के साथ जो है वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। मेरे साथ यहाँ पर अदनान भी मौजूद है। अदनान जी, क्या कहोगे यार, मेरे से तो बात नहीं की जा रही कि किस तरह से अपनी फैमिली को घर तनहा छोड़ के आ जाते हो? बस ये हमने हल्फ़ लिया हुआ है ना जी, हमारा हल्फ है कि हमने कौम की खिदमत करनी है, कौम की खिदमत के लिए हम भर्ती हुए हैं जी, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। बाकी फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुर्बानियां देनी पड़ती हैं जब अपने हल्फ की पासदारी करनी सही हो। बात है। मैं चाहता था कि अदनान ने जिस तरह से मैंने आज ईद की सुबह नमाज पढ़ी, सवैयाँ खाई, बेगम के साथ बैठ के गपशप की, फिर उसके बाद कैमरामैन रईस को कॉल की, रईस कैमरा लेके आ गया। रईस ने भी आज बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, मैं देख सकता हूँ कि लगता है जैसे रईस ने भी कोई 15-20 हज़ार रुपये की पैंट शर्ट पहनी हुई है, बड़े अच्छे शूज़ पहने हुए हैं और हाथ में एक ब्रेसलेट भी पहनी हुई है, लगता है ये भी सोने की है। मेरा कैमरामैन भी बड़ा खुश हो रहा है। जिस तरह से मैं आज बोस्की का सूट पहन के घर से निकला हूँ, मैं चाहता था कि आपके तन पर भी बोस्की का सूट हो, लेकिन ये आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए आपने आज भी, मैंने आपको जब भी देखा है मैंने आपको यूनिफॉर्म में देखा है, उसकी वजह यह है कि आप ड्यूटी करते हैं। और आज मैंने सोचा था कि शायद अदनान जो है वो सूट पहने का, कोई बोस्की का, कोई लट्ठे का, कोई दीगर अच्छे कपड़े पहने होंगे, लेकिन यार आज फिर वही यूनिफॉर्म, वही वायरलेस सेट, वही आना जाना कंट्रोल, गाड़ी आ गई है गाड़ी निकाल दें, कंट्रोल इशारा बंद कर दें, कंट्रोल ये सिग्नल खोल दें, अपने घर वालों की याद नहीं आती। और आज सुबह से बच्चों के और बेगम के कितने फ़ोन आ चुके हैं कि ये घर आ जाओ? फ़ोन तो बहुत ज़्यादा आते हैं जी, जारी बात है, वीडियो कॉल वगैरह आपको पता है उस पर गुजारा कर लेते हैं। ख़ास तौर पे जी बच्चों के अलावा वालदैन जो है ना जी वो बहुत मिस करते हैं। मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ कि मेरी वालदा की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा घर सिर्फ मतलब नए कपड़े पहन के तो मेरे सामने ईद पढ़ ले बस, और उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन काम ही पूरी होती है, तो इस पर कभी कभी रोना भी आ जाता है। लेकिन ये रो अभी रहे अम्मी की याद में ना, वो चीज़ें ऐसी हैं ना, नेचुरल है, ये नेचुरल चीज़ है ना जी, आपकी वालदा उनसे कोई तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बच्चे सब कुछ सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वालदैन से बड़ी कोई नेमत नहीं है। क्या बात है, वो जो है ना वो बस उसके लिए अल्फाज नहीं है, जब वो कहते हैं ना कि मुझे बस इतना चाहिए। अदनान, जब ऐसी बातें सोचते हैं फैमिली के मतलब आंखें भराती हैं, दिल भराता है कि काश उनके साथ ईद मनाई होती, काश उनके साथ बैठ के नमाज पढ़ी होती, काश उनके साथ बैठ के मैं नीचे बैठा होता, वालदा सोफे के ऊपर बैठी होती, सर पे हाथ फेरती और प्यार दे रही होती, ऐसी बहारें कहाँ मिलती हैं। लेकिन आप ज़्यादा जो है वो पब्लिक को प्रायोरिटी देते हैं कि ये खुश हाल तरीके में अपने घरों की तरफ रवा दवा हो जाए, आपकी यही ईद है। सर असल में ये ड्यूटी जो है ना इबादत भी है, अगर आप पूरी अपनी हम ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं तो ये मैं हम भी चाहें तो साइड पे बैठ जाएं आराम से, ठीक है जी टाइम गुजर रहा है, लेकिन बैठने से फिर लोगों को दुश्वारी होगी, लोग अपने बर वक्त टाइम पे घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये लोग जो मैं देख सकता हूँ कि मोटरसाइकिल पे जो है वो बच्चे लेकर मोटरसाइकिल पर अपने ससुराल की तरफ लोग जा रहे हैं सवैयाँ खाने के लिए, ईद मिलने के लिए, अगर आप साइड पर छाँव में बैठ जाएंगे तो ये लोग बर वक्त अपने घरों में नहीं पहुँच पाएंगे। बिल्कुल जी, उनकी उनको भी यही है कि होता है कि हम पे ईमान होता है कि ये हमारे लिए खड़े हैं, ये हमें गुजारेंगे। और कुछ लोग काफ़ी लोग बल्कि ईद वाले दिन जो है हमें विश भी करते हैं, कहते हैं अप्रिशिएट भी करते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि जनाब वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि यार कोई बात नहीं, फैमिली की कुर्बानी दी है, लेकिन ये देखें हम ये हमारी वजह से खुश हो रहे हैं और इनको अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया इनको फैसिलिटेट करने का। इदनान, मैं अपनी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी जो है वो पब्लिक को बड़ा खूबसूरत मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग कोई इंडिया से नहीं आए, ये लोग कोई किसी और दूसरे ममालिक से नहीं आए,
ये यहीं की पैदावार हैं, पाकिस्तान की पैदावार हैं, इनके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार तमाम पाकिस्तानी हैं और यहाँ ये पैदा हुए हैं, यहीं पर इन्होंने मर जाना है। लिहाजा जब ट्रैफिक वार्डन किसी को हाथ देकर रोकता है, गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ अगर बात कर ली जाए तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मैं अमूमन देखता हूँ कुछ लोग जो है वो ट्रैफिक वार्डन के साथ बड़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, ट्रैफिक वार्डन की वर्दियाँ भी फट जाती हैं, लेकिन आज का दिन देखो, आज का दिन जो है वो मारो मार पड़ी हुई है। हर बंदा अपने घर की तरफ भाग रहा है कि ईद का दिन है, नमाज के बाद मैं फौरी अपने रिश्तेदारों से मिल लूँ, मैं फौरी ईद लेने चला जाऊँ, मैं फौरी दही भल्ले सवैयाँ खाने चला जाऊँ। लेकिन अदनान समेत शहबाज इंस्पेक्टर, इसके अलावा इदनान, इरफान, तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ आपके लिए।